हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? नई रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है नई जगह से, गवर्नमेंट से आई हुई वैकेंसी की डिटेल आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वैकेंसी में सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल वीडियो में कवर करते हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मैनेजमेंट में होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी या फिर सोशोलॉजी में। उसके बाद बताएं एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट विथ आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट बट विदाउट एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई। तो फ्रेंड यहाँ पे बताया है कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बताया कि नॉलेज ऑफ डेटा एनालिटिक वुड बी एडेड एडवांटेज। तो फ्रेंड अगर आपके पास डाटा एनालिटिक्स का नॉलेज होगा तो ये प्लस पॉइंट माना जाएगा, अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वैकेंसी में आपको सैलरी 31,000 से 43,000 के बिटवीन मिलने वाली है। उसके साथ एनुअल डेवलपमेंट अलाउंस भी मिलने वाला है। सैलरी विल बी डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेरिट एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो सैलरी आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। नो अदर अलाउंसेस एक्सपेक्ट TADA फॉर द ऑफिशियल टूर विल बी पेड। अगर आपका कहीं ऑफिशियल टूर जाता है तो आपको TADA प्रोवाइड किया जाएगा। इस वैकेंसी का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है? 1 or 2 year एंड एक्सटेंडेबल अप टू टोटल 5 ईयर। तो फ्रेंड ऐसा मान के चलो कि 5 साल के लिए आपका ये ड्यूरेशन रहने वाला है। अभी बात करते हैं कि इस वैकेंसी के अंडर क्या क्या काम रहेंगे। तो यहाँ पे पता है मेजर टीचर एक्टिविटीज़ क्या करना है आपको। यहाँ पे अटेंडिंग क्लासेज अटेंड करनी पड़ेंगी, करेक्शन, ग्रेडिंग ऑफ आंसर शीट, क्विजेस, प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड कंडक्टिंग रिविजन सेशन इफ रिक्वायर्ड, डिजाइन एंड डिलीवरी इन एनी ऑफ द प्रोग्राम सच एज प्रिपरेशन, रिविजन ऑफ द कोर्स आउटलाइन, रीडिंग लिस्ट, क्लास हैंड आउट, साइमुलेशन, प्रेजेंटेशन स्लाइड एक्सेट्रा। तो बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे आपको टीचिंग का काम करना है, टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्टेड ट्रैकिंग प्रोग्राम इन क्लास, प्रोजेक्ट असाइनमेंट एक्सेट्रा, ये सब काम आपको इस वैकेंसी के अंडर रहने वाले हैं। टू असिस्ट फैकल्टी इन देयर रिसर्च, केस राइटिंग, टीचिंग नोट एक्सेट्रा डेवलपमेंट एंड पेपर राइटिंग, टू लर्न सच टूल टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेंट। उसके बाद बताया टू कोऑर्डिनेट RP ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, टीचिंग नोट एक्सेट्रा, ये सब काम आपको इस वैकेंसी के अंडर रहने वाले फ्रेंड। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज बताइए 35 ईयर, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज इस वैकेंसी को अप्लाई करते वक्त। अभी बात करते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 सितंबर। Those who are applied earlier for this position are requested not to apply again. फ्रेंड अगर आपने ऑलरेडी इस वैकेंसी को अप्लाई किया है तो आप फिर से अप्लाई मत कीजिए। तो ये वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से, ये वैकेंसी आई है फ्रेंड अहमदाबाद, जो कि गुजरात स्टेट से। फ्रेंड जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू कब होगा ये इन्फॉर्म किया जाएगा उनको ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। तो फ्रेंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो ये अप्लाई करने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद ये पूरा फॉर्म को फिल करना है, ये यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल, जो जो यहाँ पे मांगा है वो आपको अटैच करना है। और यहाँ पे आपको अपना CV अटैच करना है PDF के माध्यम से, 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका ये PDF CV का। उसके बाद बताया प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका पासपोर्ट फोटो। उसके बाद टिक करके यहाँ पे अप्लाई पे कर देना है, पूरा फॉर्म को फिल कर देना है। फ्रेंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।